इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और इसमें हम सीखेंगे एक्सरसाइज में कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, या कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे हम उसको निकालें या कैसे सॉल्व करें उस क्वेश्चन को, और इंटरसेक्शन और डिफरेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं इसमें। 1.5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें इन्होंने एक सेट दिया हुआ है यू, यू सेट मतलब ये यूनिवर्सल सेट है, और उसके साथ कुछ और सेट्स दिए हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। अब ये तीनों सेट दिए हैं और एक यू दिया हुआ है, तो यू का मतलब यह है कि इन तीनों सेट्स के जो एलिमेंट होंगे वो इस यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट उसी सेट को कहते हैं जिसमें ये जो हमारे सेट हैं बाकी ए बी सी, इसके सभी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हों। अलग अलग सेट के लिए अलग अलग यूनिवर्सल सेट होते हैं। तो अब यहाँ पे तो 1, 2, 3 है नेचुरल नंबर्स वगैरह हैं, इसके लिए यूनिवर्सल सेट ये हो गया। अगर अल्फाबेट्स की उसमें आता है तो यूनिवर्सल सेट में फिर ए बी सी डी वगैरह आएंगे। तो इस तरह से हम यूनिवर्सल सेट को लेंगे जिसमें जो हमें बाकी सेट्स दिए हैं उन सभी के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हों, तो वो यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें एक कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है तो उसमें हम u माइनस a करते हैं। यूनिवर्सल सेट में से सेट a को माइनस कर देंगे तो हमें एक कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब a सेट में चार एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और 4, और यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके और 9 तक एलिमेंट हैं। तो u माइनस a में u में से a के सारे एलिमेंट निकल जाएंगे। a के एलिमेंट जो हैं 1 से लेके 4 तक हैं, तो ये 1 से लेके 4 तक सारे एलिमेंट u में से निकल जाएंगे। जब माइनस करेंगे तो इसमें जो बचेंगे u माइनस a में 5, 6, 7, 8 और 9 एलिमेंट बचेंगे। ये इसका मतलब a कॉम्प्लीमेंट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो सेट ए में है। सेट ए 1, 2, 3 और 4 था, ए कॉम्प्लीमेंट में इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये तो हमारा था ए कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट को लेके। अब बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट में यू माइनस बी करेंगे तो यू में से बी के जो एलिमेंट हैं वो सारे निकल जाएंगे, 2, 4, 6, 8 वो सारे एलिमेंट इसमें से निकल जाएंगे। 2, 4, 6 और 8 ये एलिमेंट नहीं आएंगे इसमें u माइनस b में, तो रिमेनिंग एलिमेंट 1, 3, 5, 7, 8, 9 तो u माइनस b में ये एलिमेंट बचेंगे। तो b कॉम्प्लीमेंट में भी हमारे पास वही एलिमेंट बचे हैं जो b में नहीं है। तो इसी तरह हम a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। a यूनियन c में पहले हम a यूनियन c को फाइंड करेंगे। a सेट ये हो गया और c सेट हमारा ये, तो दोनों का यूनियन अगर हम करेंगे तो उनमें जो दोनों सेट में एलिमेंट हैं कॉमन वो आएंगे और रिमेनिंग 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये तो a यूनियन c हो गया। और इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a यूनियन c को हम यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 9 तक है और इसमें जो एलिमेंट बनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनते हैं। तो यूनिवर्सल सेट 6, 7, 8, 9 ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, माइनस a यूनियन c 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें से कौन कौन से एलिमेंट निकलेंगे, u में से 1 निकल गया दोनों जगह है, 2, 3, 4, 5 और 6, तो रिमेनिंग एलिमेंट जो बचे 7, 8 और 9। तो ये a यूनियन c का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ऐसे ही हम a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, उसमें हम यूनियन लेंगे a और b के साथ सेट के साथ।
इसमें हमें ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस ए, ये एलिमेंट बचेंगे जो रिमेनिंग एलिमेंट है। उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, इसका मतलब यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट में है 5, 6, 7, 8, 9। तो इसमें से कौन कौन से कैंसिल होंगे, 5 है इसमें, 6, 7, 8 और 9 ये निकल गया इसमें से, तो ये रह गया 1, 2, 3 और 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट आया वो ये हो गया। लेकिन ये सेट कौन सा है, ये तो 1 से लेके 4 तक इसमें भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये सेट हो गया ए के इक्वल। यानी कि अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट अगर हम लें तो फिर हमें वही सेट मिल जाता है। तो इसी तरह आप बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी इन्होंने एक यूनिवर्सल सेट दिया है, यहाँ पर इन्होंने अल्फाबेट का दिया है और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है इसमें भी हमें इन सभी का। तो इसमें से कोई भी एक ले लेते हैं एग्जांपल, मान लिया बी सेट ले लेते हैं, इसमें डी ई और एफ जी ये एलिमेंट हैं, तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू माइनस बी करेंगे, ए बी सी और एच, सिर्फ ये एलिमेंट आएंगे यू माइनस बी में, तो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया यू माइनस बी। तो ऐसे ही आप सी या डी इन सब के कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट में टेकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यूनिवर्सल सेट एज ए, और क्या राइट करना है हमें, कॉम्प्लीमेंट्स निकालने इन सब के। तो यू को ले लिया हमने यूनिवर्सल सेट और नेचुरल नंबर का 4, 5, 6 और ये सब, तो ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यूनिवर्सल सेट में हमें अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में क्या है कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट के केस में सेट ए अगर बनता है तो उसमें इवन नेचुरल नंबर बनेंगे। इवन नेचुरल नंबर में 2, 4, 6, 8, 10 ये सब आएंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें तो u माइनस ए, अब जितने भी इवन नेचुरल नंबर हैं सब चले जाएंगे यहाँ से, इस तरह से आगे 10 वगैरह, u माइनस ए जो आएगा वो इस तरह के एलिमेंट आएंगे, यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो ऑड नेचुरल नंबर बनेगा। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑड नेचुरल नंबर हो गया। अब सेकंड वाले केस में एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसमें एक सेट ले लेते हैं ऑड नेचुरल नंबर, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वही फिर यू माइनस ए 2, 4, 6, 8 वगैरह 2, 4, 6, 8, 10 यानी कि इसमें हमारे पास बचते हैं इवन नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर अगर हैं तो उनका जो कॉम्प्लीमेंट सेट बनेगा उसमें आएंगे इवन नेचुरल नंबर। एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो ये 3 के मल्टीपल हो गए, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा 7 इस तरह के बनेंगे, यानी कि इसमें कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट सेट है उसको हम कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to n, x एक नेचुरल नंबर है और x is not a multiple of 3, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट सेट बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट उसमें हम कर सकते हैं, उन सबको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, तो यही प्रोसीजर होगा। अब फोर्थ है अगर, ये इसमें कहा है कि x एक प्राइम नंबर है, कॉम्प्लीमेंट सेट बनेगा फोर्थ के केस में, उसमें क्या होगा कि उसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा,
क्योंकि हम इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो निकल जाएंगे, तो बचेगा क्या सेट जिसमें कोई प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर तो सभी निकल गए हैं और प्राइम नंबर जो है वो 2 से शुरू होते हैं और इसमें एक एलिमेंट और आएगा 1, तो कंपोजिट नंबर बनेंगे और 1 भी होगा उसमें, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो बनेगा उसमें 1 और प्राइम नंबर सारे निकल गए, प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2 भी निकल गया, 3 भी, 4, 6, 8, 9, 10, 12 इस तरह के नंबर बनेंगे इसमें, इसके कॉम्प्लीमेंट में फोर्थ में। अब इसमें फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5, तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या बनेगा इसका, ए कॉम्प्लीमेंट फिफ्थ के लिए x such that x belongs to n or x is not divisible by 3 or 5, तो इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसी तरह से हम इनको कॉम्प्लीमेंट सेट में चेंज कर सकते हैं। और x is a perfect square, तो x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा। इसी तरह x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब, तो इसमें नॉट ए परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, इसमें कॉम्प्लीमेंट सेट में x सच दैट x इज यहाँ पर नॉट लग जाएगा, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएंगे। और एट्थ में देखें तो एट्थ में दिया x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो इस सेट को अगर हम लें इसमें क्या बनेगा, 5 इज इक्वल टू 8, उसमें आ गया एक 3 एलिमेंट, तो इसमें ए में हमारे पास 3 एलिमेंट आ गया। अब यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं u माइनस ए, तो उसमें सिर्फ 3 एलिमेंट नहीं मिलेगा, बाकी सारे एलिमेंट होंगे, तो हम उसको लिखेंगे कैसे, x such that x belongs to n और x is not equal to 3, तो इसमें जो भी एलिमेंट बनेंगे तो 1, 2, 3 नहीं होगा, 4, 5, 6, 7 बाकी सारे बन जाएंगे इसमें, इसके कॉम्प्लीमेंट में, तो इनको हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब नाइन्थ को डिस्कस करते हैं, नाइन्थ में इन्होंने दिया है x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो एक सेट हो गया इसके लिए, a इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, और इसका जो आएगा सॉल्यूशन, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 और 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा निकल के, उसमें नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें से इसको माइनस कर देंगे ए को, यानी कि एक 2 एलिमेंट इसमें से निकल जाएगा, तो फिर इसमें से 1, 3, 5 इस तरह के एलिमेंट आ जाएंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो बनेगा उसमें सिर्फ 2 नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x such that x belongs to n, नेचुरल नंबर है लेकिन उसमें एक एलिमेंट 2 नहीं है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये नाइन्थ था। अब टेंथ को डिस्कस करते हैं, इसमें दिया है उन्होंने x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो x जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, तो 7 और 7 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो हमारे इस सेट में आ जाएंगे, जो हमारा ये सेट है x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इसका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा उसमें 7 से नीचे के जो एलिमेंट हैं वो रहेंगे, तो 7 से नीचे यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर जो बनते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बनते हैं, तो इस कॉम्प्लीमेंट में हम लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n
और x लेस देन 7, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब 11th में भी ऐसे ही कुछ है, x belongs to n है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x greater than 10 minus 1, 2x greater than 9 और x greater than 9 by 2, यानी कि x greater than 4.5 है, x की वैल्यू greater than 4.5 है और x एक नेचुरल नंबर है, तो इसमें जो सेट बनेगा हमारे पास 11th के लिए, उसमें 4.5 से ऊपर जो नेचुरल नंबर है 5, 6, 7, 8 ये सब बनेंगे, लेकिन इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें यू माइनस ए करेंगे तो 5 और 5 से ऊपर के सारे नंबर निकल जाएंगे, उसमें रह जाएंगे 1, 2, 3 और 4। तो इस कॉम्प्लीमेंट में हम लिखेंगे एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू एन और x लेस देन इक्वल टू 4, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन,